हम लोग 3ds Max को खोलते हैं सर, तो इस तरह से इसका पूरा खुलता है, ठीक है। इसमें जो हमारे सबसे ऊपर होता है ये हमारा होता है मिनीबार। मिनीबार में हमारे हर एक टूल्स होते हैं, लाइक आप एडिट टूल, ग्रुप्स एंड ऑल, ये सब कुछ हमारे मिनीबार में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका रिबन पैलेट। तो ये रिबन पैलेट के अंदर हमारे सारे टूल्स होते हैं, लाइक मूव करने के लिए, लिंक करने के लिए, स्केल करने के लिए। हम बार बार देखेंगे सभी को एक एक करके किसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मूव है, यहाँ पर रोटेट है, यहाँ पर स्केल है, ऐसे सबके अलग अलग टूल्स देखेंगे। ये हमारे व्यूबोर्ड्स होते हैं सर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बड़ी बड़ी डिजाइनिंग को करते हैं, इसलिए हमें कई व्यूबोर्ड्स की नीड होती है। लाइक हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास टॉप व्यू होता है, यहाँ पर हमारे पास फ्रंट व्यू होता है, लेफ्ट व्यू और ये पर्सपेक्टिव व्यू, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में जाकर अपने डिजाइन को करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सर, तो जैसे हम लोग ऑटोकैड में लेयर्स बनाते थे, और ऑटोमेटिकली हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लेते जाएंगे उसका लेयर्स यहाँ पर बनता हुआ चला जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से लेयर। और ऐसे ही इसके अंदर यहाँ पर देखिए तो प्लगइन्स लगे लगे हुए हैं, तो मैंने इसके अंदर वीरे का प्लगइन ऐड करके रखा हुआ है, मतलब वीरे के रेंडरिंग के लिए, सारे कुछ वीरे के लिए है। तो जैसे जैसे आप अलग अलग प्लगइन्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते जाओ, यहाँ पर आपके प्लगइन्स लगते चले जाएंगे। यहाँ पर हम थ्री टाइप्स के रेंडर करते हैं, हम लोग नॉर्मल रेंडर करते हैं, मेंटा रेंडर करते हैं, एक वीरे रेंडर करते हैं। वीरे रेंडर जो हमारा होता है वो सबसे टॉप क्लास का रेंडर होता है, तो उसमें हम लोग एकदम अपने ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक दिखाते हैं, ठीक। अब जब हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाते हैं सर, तो उसके लिए हम लोग कमांड्स की नहीं होती, तो कमांड के लिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन पैनल होता है, ठीक है। इस पैनल के अंदर सारे टाइप्स के टूल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे तो ढेर सारे आपको टूल्स मिलेंगे, और इसी के पूरे टूल्स को हमको पढ़ना है। अगर एक भी हमने पढ़ लिया तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर हमें मॉडिफाई करना है, इसी के अंदर डिजाइन करना है, तो ये हमारा कॉमन पैनल है। अब यहाँ पे देखिए तो एक पर्सपेक्टिव भी है जैसे, और यहाँ फ्रंट भी, और ये टॉप और ये लेफ्ट। अगर हमें किसी एक व्यू में केवल काम करना है तो आपको यहाँ पे टॉगल व्यू पे क्लिक करना होता है, जिससे मैक्सिमाइज कर देंगे टॉगल व्यू, तो हमारे पास केवल एक व्यू पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कि ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, ऑब्जेक्ट कैसे तैयार करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने का सर, इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन भी करते हैं, वॉल भी बनाते हैं, लाइक हर एक टाइप के डिजाइन आप इसके अंदर कर सकते हैं। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हर एक तरह के टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बॉक्स, कोन, स्फीयर, जियोस्फीयर, सिलेंडर, इस तरह से कॉमन कॉमन कुछ टूल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तैयार करना है, लाइक जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल को बनाना है तो मोबाइल का हमें बेस ऑब्जेक्ट सोचना पड़ता है। इसके मोबाइल का बेस ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक बॉक्स होगा, ठीक है। एक बॉक्स होगा, फिर बॉक्स के अंदर यहाँ पर हम लोग फिलेट शेप्स देके हम मोबाइल को तैयार कर देते हैं, राइट। ऐसे ही हम लोग कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को बनाना है, लाइक हमें बॉटल बनाना है, तो बॉटल क्या है, बॉटल एक सिलेंडर है। तो उस सिलेंडर के लिए यहाँ पे देखिए बेस ऑब्जेक्ट इसका सिलेंडर लेके रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, बेस ऑब्जेक्ट लेना है, बेस ऑब्जेक्ट को लेके उसको मॉडिफाई करना है, बस इतने से काम से हमारा प्रोडक्ट डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं कुछ डिजाइन करने से पहले कुछ उसका बेस ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर लाइक अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इसमें एक बॉक्स तैयार, बॉक्स से एक चेयर तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ने क्या किया, एक बॉक्स को ले लिया, और बॉक्स को लेके यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करो, और जो भी बॉक्स का आपको साइज देना है वो बॉक्स का साइज़ काटो, ठीक है। अभी जैसे कि मैं सिविल पे काम करता हूँ, इसलिए मैंने इसमें फीट और इंच में करके रखे हुए, बाद में मैं आपको बताऊँगा, नेक्स्ट में बताऊँगा मैं कि कैसे इसकी वीडियो नेक्ट वगैरह सेट करते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स तैयार कर दिया, इस बॉक्स का लेंथ यहाँ से हम डिसाइड करेंगे, लाइक ये देखिए यहाँ पे 4 feet, 3 feet, ये देखिए 2 feet, ऐसा हो रहा है 3 feet का मान लो। और इसका जो विड्थ होता है वो विड्थ हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे, कितना विड्थ हमको रखना है इसका, ठीक है। और यहाँ पर इसकी हम लोग हाइट रखते हैं, जितनी भी हमें हाइट रखनी है उतनी हाइट हम लोग इस बॉक्स में, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट एंटर कर सकते हो अपनी हाइट को, और यहाँ से आप बढ़ा सको बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ हमारा लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। और क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमने बेस ऑब्जेक्ट बना लिया, और बेस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद थोड़ा सा मैं इसका विड्थ और लेंथ को सेट कर देता हूँ, लाइक इस तरह से, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद सर, अब डिजाइनिंग करनी होती है, तो किसी भी चीज़ की डिजाइनिंग करने से पहले उसका रफ स्केच मारना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक हम लोग अगर हाथ से भी स्केचिंग कर रहे हैं तो रफ स्केच सबसे पहले मारते हैं, ऐसे ही हम अपने बेस ऑब्जेक्ट रफ स्केच मारेंगे, तो उसको रफ मतलब जो भी रफ मारेंगे उसको हम लोग सेगमेंट्स बोलते हैं, मैक्स के लेवल में सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, लेंथ सेगमेंट। तो हमने क्या किया, लेंथ सेगमेंट पर जैसे क्लिक करना स्टार्ट किया, देखिए आप तो दूसरे व्यू पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर सेगमेंट्स कट रहे हैं, यहाँ पर नहीं कट रहे। क्यों नहीं कट रहे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा व्यू है ये व्यू हमारा रियलिस्टिक है, थोड़ी देर बाद हम उसको रियलिस्टिक से वाइफ्रेंड कर लेंगे, एच केसेस में कर लेंगे, तो वो दिखाई देने लगी गई है। अब क्या किया हमने, विड्थ में भी कुछ सेगमेंट्स काट दिए इस तरह से, और ऐसे ही हमने हाइट में भी कुछ सेगमेंट्स काट, ठीक। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर, अब मैंने क्या किया, सो राइट क्लिक कर दिया, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पर जैसे रियलिस्टिक क्लिक करोगे आप, यहाँ पर आपको लिख के आएगा एच फेसेस, ठीक है। एच फेसेस, जैसे एच फेसेस को मैंने क्लिक किया तो आप देखें तो यहाँ हमें कट्स मिलने लगे,
ये हमारा रफ स्केच हो गया, ठीक है, रफ स्केच हो गया। अब इसके थ्रू हम अपने डिजाइन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं कल मुझे मैंने आपको बोला कि जैसे मेरा चेयर बनाने का मन है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक एक बॉक्स को उठा लेंगे, फिर हटा देंगे, इस तरह से हमें कुछ डिजाइन कर देंगे। तो ये हमारा जैसे हमने ऑटो कैड को हमने बढ़ाया, वैसे ही हमारे पास ये पर्सपेक्टिव भी होता है जिसके अंदर आइसोमेट्रिक के सारे ड्राइंग्स हम तैयार करते हैं। और ये हमारे व्यू होते हैं देखने के लिए, रियलिस्टिक व्यू, वायर फ्रेम और जो भी आपको दूसरे दूसरे व्यू चाहिए आप वहाँ पर क्लिक करके ले सकते, ठीक। और इतना करने के बाद सर इसकी एडिटिंग का काम होता है। बेस ऑब्जेक्ट बन गया, रफ स्केच मार दिया, सेकेंड स्टेप मतलब थर्ड स्टेप शो, इसका थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, इसकी एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू, अब हमें एडिटिंग मोड में ले जाना है, इसलिए कन्वर्ट टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। जैसे हम लोग एडिटेबल पॉली पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये कॉमन पैनल ये चेंज हो जाएगा, सब कुछ यही सोने वाला है। तो कॉमन पैनल जब चेंज हुआ तो देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया, ये क्या है हमारा एज है, ये बॉर्डर है और ये पॉलीगॉन और ये एलिमेंट है। इन्हीं पांचों से मिलकर पूरी हमको डिजाइनिंग की एडिटिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला वर्टेक्स है, तो हम जैसे वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे वर्टेक्स पे जैसे क्लिक किया हमारे सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारे वर्टेक्स हाईलाइट हो गए। अब इन इसमें से अगर आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे तुरंत ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको डिजाइन करना है कुछ, या जैसे टेम्पल जैसा शेप देना है आपको, तो आपने क्या किया, मॉडिफाई लिया, सॉरी मूव कमांड लिया, मूव कमांड लेके इसको जितना मूव करना चाहो आप उस तरह से मूव कर सकते, जहाँ से किसी पोर्ट को आपको करना है तो आप इस तरह से इसको बाहर कर सकते, ठीक है। और लाइक वापस जाना है जैसे दूसरे कमांड्स का, दूसरे सॉफ्टवेयर में हमारे कंट्रोल डेट होते हैं, वैसे यहाँ पर भी हमारा कंट्रोल, ठीक। तो जैसे कि हमने कोई एक वर्टेक्स को सिलेक्ट किया सर, तो अभी हमारा केवल एक वर्टेक्स मूव कर रहा है, बट इफ़ यू वांट कि मेरे कई ढेर सारे वर्टेक्स सेलेक्ट होकर एक साथ मूव हो, लाइक तीन चार पाँच ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है सर सिंक और ग्रो का, ग्रो मतलब ग्रोथ, सिंक मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, मोर देन वन वर्टेक्स हमारे एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, और जब आप इसको मूव करोगे तो देखिए एक साथ मूव होकर ऑब्जेक्ट हमारे तैयार हो गए, ठीक। अब हमने कंट्रोलेट कर लिया इसको, और अब मैं क्या चाहता हूँ, इतने ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट ना हो, वर्टेक्स बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो गए, कम सिलेक्ट हो, तो कम सिलेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर श्रिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप श्रिंक करते जाओगे खत्म होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप किसी एक को सिलेक्ट भी करोगे ना, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता है, क्या देता है इन्फॉर्मेशन, वर्टेक्स 74 सिलेक्टेड, 74 नंबर का वर्टेक्स आपका सिलेक्ट हो गया। बट आप जैसे यहाँ पर ग्रो करते जाओगे तो क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं देगा, यहाँ पर क्या देगा, 85 वर्टेक्स सेलेक्ट है, जितने से वर्टेक्स आपने सेलेक्ट किए उतने नंबर दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सर, हमारा जो नेक्स्ट है वो है एज, ठीक है। एज मतलब कॉर्नर्स, लाइक हमारे लैपटॉप का ये कॉर्नर, ठीक है, इस बॉक्स का ये कॉर्नर, ये सारे हमारे एज, ठीक है। तो एज के लिए हमें क्या करना है, एज पे क्लिक करिए, एज पे क्लिक करके जैसे आप कहीं भी क्लिक करो, एक एज सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर क्लिक करना है, ये एक एज सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो एज में क्या है कि यहाँ पर जैसे ग्रो आप करते आए वो ग्रो यहाँ पे भी होगा, इसी तरीके से आप ग्रो करते चले जाना है। अब इसको मूव करना है, इसको स्केल करना है, इस पर आपको अभी आगे हम कमांड्स डालेंगे अलग अलग, तो उसके इफेक्ट्स देखना है, तो इसी पर हम लोग करते चले जाएंगे। फिर हमने देखा यहाँ पे दो नई चीज़ें हैं, क्या नई चीज़ें हैं, रिंग और लूप। रिंग क्या होता है, रिंग सर एक मोटी इलेक्ट क्या होता है, रिंग पूरा पैक होता है, रिंग पैक होता है, ऐसे यहाँ पर भी रिंग हमारा पैक होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने किसी एक को सेलेक्ट किया, सपोज हमने इसको सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे रिंग पे क्लिक करते हो, देखो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे ALT और माउस की विजुअल पैन बोलते हैं, ठीक है, इसको घुमा के आप देख सकते हो, देखो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है आपका, तो ये क्या कर रहा है, पूरा रिंग की तरह सेलेक्ट कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर, ठीक। तो ये काम हमारा किसका है, रिंग का, ठीक है। और अब जैसे हमने किसी एक फिर से एज को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है, लूप, लूप मतलब संगठन, यूनिटी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस लाइन की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी एजेस हैं, सबको हमने एक लूप में तैयार कर लिया। तो लूप में तैयार करने के लिए हमने क्या किया, जस्ट आप जैसे लूप पे क्लिक करोगे, देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, लेकिन जब हमने केवल सिंगल को सेलेक्ट किया, केवल सिंगल को, जैसे आपने लूप को तैयार किया, देखिए क्या हो गया, पूरे सेलेक्ट हो गए, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही मैंने जब इसको सेलेक्ट किया था, जब रिंग को किया था तो क्या हुआ था, सॉरी रिंग को जब किया था तो पूरा का पूरा रिंग देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया ना कॉर्नर से। अब इसको घुमा के भी देखेंगे आप तो पूरा नीचे ऊपर सब सेलेक्ट हो गया है, राइट। अब जैसे इसमें बार बार ग्रिड आ रही है सर, तो आपको ग्रिड देखने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर ग्रिड की शॉर्ट की है, बस जस्ट आपको जी क्लिक करना है, ग्रिड से नहीं डालना है जी की, तो हमें ग्रिड, तो
तो समझ में आया सर कि हम लोग ग्रीन कैसे करेंगे और स्लो कैसे करेंगे ना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर थोड़ी देर बाद देखेंगे। बॉर्डर से पहले हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन लेंगे। ठीक है, हमने पॉलीगॉन लिया और पॉलीगॉन लेने के बाद क्या किया, हमने इसको सेलेक्ट किया किसी को, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर से हमने सेलेक्ट किया, देखिए सेलेक्ट हो गया, फिर से हमने सेलेक्ट किया, देखिए अलग अलग हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं ना। अब यहाँ पे ये हमारे पॉलीगॉन से सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे आप इसको ग्रो करते हो देखिए क्या हो रहा है, सब सेलेक्ट हो रहे हैं। आप जैसे इसको श्रिंक करते हो देखिए हमारे सभी के सभी श्रिंक हो रहे हैं ना। तो सेम है श्रिंक और ग्रो, यहाँ पर रिंग और लूप यहाँ पर नहीं चलता है। ठीक है, अब जैसे मुझे किसी एक को सेलेक्ट किया और इसको उठाना हुआ, इसको मैं उठाना हुआ, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक कर देंगे। जैसे एक्सट्रूड पे आप क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, ऐसे हम अलग अलग को मूव करेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया, अब जैसे हमने पॉलीगॉन लिया और पॉलीगॉन लेने के बाद सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके डिलीट कर, अब देखिए क्या हो रहा है सर, ये पूरा डिलीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिलीट हो गया। अब जैसे डिलीट हुआ तो क्या, यहाँ पे बॉर्डर जनरेट हो गया, यहाँ पे बॉर्डर जनरेट हो गया ना। तो इसी बॉर्डर को देखिए यहाँ से जैसे हमने बोला ना, थोड़ी देर बताता हूँ, आप बॉर्डर देख सकते हैं। जैसे हमने बॉर्डर लिया, बॉर्डर लेने के बाद यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए क्या हुआ, कॉर्नर कॉर्नर अपने यहाँ पर सेलेक्ट हो गए, बिकॉज क्योंकि अभी हमने इस पर बॉर्डर खाली कर दिया। अगर हमारा बॉर्डर खाली नहीं है, जैसे इसमें कहीं पर बॉर्डर नहीं है मेरे पास, अब आप ले लीजिए, आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर तैयार ही नहीं है। तो पहले हमें पॉलीगॉन लेके इसको डिलीट करना पड़ेगा और बॉर्डर तैयार करना पड़ेगा, फिर जब बॉर्डर लेके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास बताया। अब हमने इसको कंट्रोल जेड कर दिया। तो सबसे पहला काम सर आपको बेस ऑब्जेक्ट तैयार करना, बेस ऑब्जेक्ट तैयार करके ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलीगॉन सॉरी एलिमेंट, एलिमेंट पर क्या है, एलिमेंट लिया, एलिमेंट ने जैसे आप किसी एक क्लिक करोगे देखिए क्या हो गया, पूरे के पूरे सेलेक्ट हो गया। दैट मीन अगर कोई माउस है तो माउस की जो वर्टेक्स है, मतलब जो सारे पॉइंट्स है वो हमारे क्या वर्टेक्स है, और उसी माउस का जो कॉर्नर्स है वो हमारे क्या है एज है, और उसी माउस के अगर बीच में कहीं पे गैपिंग खाली हुई थी, कॉर्नर कॉर्नर बॉर्डर हो गए, और उसी के हर एक पीस पॉलीगॉन है और पूरा माउस जो है वो एलिमेंट है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने वर्टेक्स एज बॉर्डर और पॉलीगॉन और एलिमेंट इसको पढ़ा। इसको दो से तीन बार पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि सारी एडिटिंग जो है ना इसी के बेसिस पे। तो हम लोग अभी पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाएंगे वर्टेक्स, फिर एक टॉपिक एज, फिर बॉर्डर, फिर एज, मतलब एक एक टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर था, चैप्टर में सब चैप्टर, अब सब चैप्टर में एलिमेंट चैप्टर आया है। ठीक, तो अब हमने सब अभी के लिए हमने क्या किया, जैसे अभी पॉलीगॉन का दूसरा फीचर हमें अगर देखना है, हमने पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बाई एंगल। ठीक है, जैसे आप बाई एंगल को ऑन करोगे तो क्या होगा, जैसे आप कहीं भी क्लिक करोगे देखिए पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, और ये देखिए आप 45 है, इसीलिए देखिए ये कॉर्नर नहीं सेलेक्ट हुआ, केवल क्या सेलेक्ट हुआ ये, क्लियर है। तो अभी जैसे आपको पूरे को सिलेक्ट करना, मतलब एक बार आप क्लिक करो तो ये भी सिलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे 90 एंगल डाल दो, क्योंकि आप जब लाइक यहाँ से जब नीचे आओगे, यहाँ से जब नीचे आओगे तो क्या होगा 90 का एंगल होगा ना, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे 90 का एंगल लेके सिलेक्ट करना चाहिए, और फिर जब आप क्लिक करोगे कहीं पर भी तो पूरा का पूरा सिलेक्ट ना। तो इस तरह से हमने वर्टेक्स देखा, एस देखा, बॉर्डर देखा, पॉलीगॉन, और अब मेरे पॉलीगॉन से मैं इस पर चेयर बना जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉलीगॉन लिया, पॉलीगॉन लेने के बाद सर अभी हमने सबसे पीछे पॉलीगॉन में कभी अगर चेयर है तो पीछे की तरह हमें कुछ बनाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया इसको सेलेक्ट किया, सॉरी अभी हमारा बाई एंगल करके कौन है इसको ऑफ कर देना चाहिए, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल था आपके दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, चौथे, पाँचवें ऑप्शन, इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सट्रूड पे क्लिक करना है, और जैसे आप एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे देखिए इसकी फेसिंग तैयार हो गई, आप जितनी इसकी हाइट चाहते हो उतनी हाइट इसको दे दो, और हाइट देने के बाद यहाँ पर ऐसा, ठीक है। इसके बाद अब हमने इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर ये और ये, और अब इधर भी बनाना है तो हमने एक साथ ही सेलेक्ट कर लिया सर, क्योंकि हैंडल बनाना पड़ेगा ना, क्लोज तो रखना पड़ेगा, तो हमने ये दोनों को इस तरह से सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से राइट क्लिक करके एक्सट्रूड पे क्लिक किया। अब जैसे क्लिक करके किया तो हमने एक नॉर्मल सोफा भी तैयार कर लिया। आगे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बेंड करते हैं, इस चेयर को कैसे बेंड करते हैं, यहाँ पर बीच में गैपिंग कैसे छोड़ते हैं, ये हम लोग आगे आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बहुत समझ में आया।